हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्ट राइड। सो गाइस, आज हम जिस बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं, बेसिकली वो एक चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बाइक है और इंटरनेशनल मार्केट में और पाकिस्तान में एक वेल नोन वर्थ रखती है। पाकिस्तान में उसकी एक बाइक लॉन्च हुई थी जो कि जेमको के कोलेबोरेशन के साथ हुई थी, जो कि KPR 200 थी। वो बाइक जो थी बेसिकली 17 टाइम विनर थी 200 कैटेगरी की रेसिंग में। सो आज उसी कंपनी की एक और बाइक का हम रिव्यू करने जा रहे हैं। सो वीडियो की तरफ चलते हैं और उसकी कुछ स्पेक्स को देखते हैं और वीडियो के एंड पे हम उसकी प्राइस को भी देखेंगे। सो फर्दर डिले किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। ओह वेट अ मिनट, डू यू सब्सक्राइब टू माय चैनल? इफ नॉट देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल and hit the bell icon. So let's go. सो इसके डिज़ाइन से हम शुरू करते हैं। तो इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी रिजेंबलेंस रखता है बिनेली की TNT 25 से। इसकी फ्रंट जो हेडलाइट है वो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की गई है, जिसमें आपको डीरल्स भी मिलते हैं, पार्किंग बल्ब भी मिलता है और हाई लो बीम भी मिलते हैं। सिमिलरली उसके साथ इन्होंने मीटर में इसके इंडिकेटर्स को एडजस्ट किया है, जो कि इसकी लुक को और भी ज़्यादा स्मूथ कर देते हैं। फ्रंट पे आपको हार्ड प्लास्टिक का मडगार्ड मिलता है और फ्रंट पे आपको 17 इंचेस के अलॉय रिम मिलते हैं, जिस पे आपको 100/80 का टायर मिलता है। और फ्रंट पे जो आपको है डिस्क ब्रेक, वो भी ड्यूल पिस्टन कैलिबर के साथ है। शॉक्स की बात करें तो फ्रंट की जो शॉक्स हैं वो इन्वर्टर शॉक्स हैं, जो कि टेलीस्कोपिक शॉक्स हैं। इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको 174.5 सीसी डिस्प्लेसमेंट के साथ इंजन मिलता है, जिसका बोर जो है वो 60 mm है और उसका जो स्ट्रोक है वो 57.8 mm है। इस इंजन की कंप्रेशन रेशियो जो है वो 9.3 है और जो मैक्सिमम टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है वो अप्रॉक्सीमेट 13 न्यूटन मीटर है, जो कि 6000 RPM पे होता है। ये जो पावर प्रोड्यूस करता है वो अप्रॉक्सीमेट 13.4 हॉर्स पावर है, जो कि 8000 RPM पे देता है। ये इंजन 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है, जो कि रिटर्न शिफ्ट है। ये इंजन एयर कूल्ड है और ये OHC इंजन है, जिसका मतलब है कि इसकी वाइब्रेशंस थोड़ी एक्सेप्टेबल होंगी। बैक के टायर की बात करें तो बैक पे भी आपको 17 इंच का अलॉय रिम मिलता है, जिस पे आपको 130/70 का टायर मिलता है। बैक पे अगर ब्रेक्स की बात करें तो सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ इन्होंने डिस्क ब्रेक दी है। और बैक की जो सस्पेंशन की बात करें तो बैक पे स्विंग आर्म मोनोशॉक दिया गया है। बैक टेल की बात करें तो इसकी बैक टेल भी जो है काफ़ी सिमिलर है TNT 25 की तरह की। अगर इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें जो है 12 लीटर का फ्यूल टैंक है, जो कि सिमिलर है। मुझे तो इसका डिज़ाइन बिल्कुल TNT 25 की तरह का लग रहा है। इसका जो नेट वेट है, जो कि ड्राई वेट भी कहते हैं हम इसका, वो 150 kg है। कंपनी इस इंजन की 43 किलोमीटर पर लीटर जो है एवरेज वो क्लेम करती है। इसके क्लस्टर गेज की बात करें तो इसमें आपको डिजिटल मीटर मिलता है, जिसमें ऑल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लाइक फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, स्पीडोमीटर और RPM मीटर, सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। स्विच असम्बली जो है वो किल स्विच और डिपर के साथ आती है। तो लास्ट में हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ डायमेंशंस की। तो इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो 2000 mm है और विड्थ जो है वो 730 mm है। हाइट की बात करें तो 1080 mm है और व्हील बेस जो है वो 1350 mm है और इसकी सीट हाइट जो है वो 775 mm है। तो ये था एक ओवरव्यू लिफान LF175 cc बाइक जो है उसका। इसी में आपको 150 cc के साथ भी अवेलेबल है, जिसमें आपको सेम फ्रेम और सेम गैजेट्स के साथ इंजन जो है वो 150 cc मिलता है
उसकी जो प्राइस है वो कंपैरेटिवली इससे थोड़ी सी कम है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी करंट प्राइस जो है वो 360K है, यानी कि 360,000 रुपये इसकी प्राइस है। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और डिफरेंट किस्म की वीडियोस देखने के लिए, बाइक्स और कार्स के रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।